और रेस्टोरेंट्स वगैरह सिर्फ टेक अवे या फिर डिलीवरी का ऑप्शन है, आप कई रेस्टोरेंट में जाके खा नहीं सकते, और जो बाकी जो एसेंशियल चीज़ें नहीं है वो सब शॉप्स बंद कर दिए गए। ऑल राइट, सो आई जस्ट फिनिश माई ऑनलाइन लेक्चर। काफ़ी अच्छा था, मतलब मज़ा आता है ऐसे बैठ के। अभी थोड़ी थोड़ी आदत होने लगी है। ऑल्सो ऑनलाइन लेक्चर का बेस्ट पार्ट इज़ आप साइड में ऐसा कुछ फ्रूट्स या फिर चना वना रख सकते हो और फिर लेक्चर अटेंड करते करते खा सकते हो, तो एकदम सॉर्टेड वाली लाइफ हो गई है। मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग एटलीस्ट कि मुझे घर बैठना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज, वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मतलब थोड़े बहुत तो हो गए ना, अभी घर में आराम से बैठ के आराम करने मिल रहा है, थोड़े बहुत तो फाइन होगी। एनीवेज, सो एक्चुअली आज है 12वां दिन। सो 12 दिन हो गए मेरे कॉलेज ने अनाउंस किए हुए कि भाई अभी तुमको घर पे बैठना है, अभी कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस जो है ऑनलाइन होंगे। और मैंने भी सुना है कि इंडिया में भी 21 दिन का कर्फ्यू लग ही गया है, तो आप लोग को भी धीरे धीरे करके आदत हो जाएगी घर पे बैठ के लेक्चर्स अटेंड करने की, या फिर नेटफ्लिक्स पे जो जो सीरीज़ देखना बाकी था वो सारे ख़त्म करने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट देन धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बट व्हेन यू नो दैट इट इज़ फॉर बेटरमेंट of everyone and especially for the elders, तो फिर तो मतलब करना बनता ही है। anyways, so मैं आज ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली जब मैंने लास्ट टाइम राशन वगैरह सब ला के रखा था, दैट वॉज 2 वीक्स अगो, जब एक्चुअली फर्स्ट टाइम अनाउंस किया था कि नेशनल इमरजेंसी है और फिर सब बंद होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी उसके बाद 2 हफ्ते हो गए, और फिर 2 हफ्ते के बाद ऑब्वियसली खाना वाना खत्म हो जाता है घर का। हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ है तो बस पास वाले सुपर मार्केट से लेके आते हैं, बट देन जो रोटी वगैरह है वो हम लोग को एक इंडियन स्टोर से ही लाना पड़ता है। सो आज हम लोग ने क्या डिसाइड किया, हम लोग ने मतलब मैं और मेरे दो रूममेट्स ने हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग जाके सारा राशन लाएंगे, मतलब चपाती हो गया, दाल वगैरह हो गई, जो भी इंडियन टाइप की चीज़ें होती हैं जो हम लोग को कुकिंग वगैरह में लगती है, तो वो हम लोग जाके लेके आएंगे। और वो लेके आने के लिए अभी बात ऐसी है कि वहाँ पे जाना पड़ता है ट्रेन लेके, बिकॉज चल के जाने के लिए बहुत सारी स्ट्रीट्स है, तो यू कैन नॉट प्रैक्टिकली गो वॉकिंग। तो हम लोग ने क्या किया, वी हैव रेंटेड अ कार। यहाँ पे जिप कार करके एक चीज़ है, अपने आप एक ऐसे जूम कार, फिर अलग अलग टाइप के कार रेंटल्स होते हैं, वैसे यहाँ पे एक जिप कार करके है, उसका एक कार्ड आता है, आप फोन से बुक करो, आप बस गाड़ी पर जाके कार्ड टैप करो, गाड़ी ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वी थिंक दैट इज अ सेफर ऑप्शन दैन द सबवे, बिकॉज सबवे में कितने लोग घूमते हैं वगैरह कुछ पता नहीं। अभी आई नो आप बोलोगे कि यार गाड़ी में भी कितने लोग बैठे होंगे तुझे क्या पता, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे लेके जाते हैं, और फिर गाड़ी खोलने से पहले पहले गाड़ी का हैंडल और फिर थोड़ा गाड़ी वाड़ी में स्प्रे अच्छे से मार लेते हैं। ऑल्सो वी डेफिनेटली वेयर ग्लव्स वाइल गोइंग आउटसाइड, एंड वी मेक श्योर कि ग्लव्स पहन के फिर हम लोग अपने फेस वगैरह को टच ना करें। दीज आर द स्मॉल प्रिकॉशंस दैट वी आर टेकिंग, एंड अभी आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई रूममेट्स वर्क फ्रॉम होम टू गेट ओवर, और जैसे ही वो हो जाएगा तो हम लोग फटाफट निकलेंगे। एंड आई शो यू अराउंड थोड़ा कि बाहर अभी यहाँ पे ब्रुकलिन में क्या सीन है, कैसा कुछ है, रास्ते पे कितने लोग हैं, और फिर मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह के क्या सीन है, वो सब आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। ग्लव्स अपनी सेफ्टी के लिए, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे गाड़ी में मारने के लिए, थोड़े से टिश्यूज अगर मतलब स्टेयरिंग वेयरिंग पोछ लेने के लिए। सो वी आर फुली आर्म्ड नाउ, लेट्स गो। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस हमारा तीसरा रूममेट आपको नहीं दिखेगा, और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है एकदम कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, ऐसा एकदम मिशन पे जाने वाला फील आ रहा है, हाथ में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे या फिर ग्लव्स वगैरह पहन के। एनीवेज, क्या करें, करना पड़ता है। सो यहाँ पे भी इफ़ यू सी स्ट्रीट्स मोस्टली सब खाली है, और रेस्टोरेंट्स वगैरह सिर्फ टेक अवे या फिर डिलीवरी का ऑप्शन है, आप कई रेस्टोरेंट में जाके खा नहीं सकते, और जो बाकी जो एसेंशियल चीज़ें नहीं है वो सब शॉप्स बंद कर दिए गए। सो यहाँ पे ग्रोसरी और वो फार्मेसी ये सब शॉप्स ओपन है, yes. और रेस्टोरेंट्स के अंदर आप नहीं जा सकते। हाँ, अंदर नहीं, पुलिस वालों ने सब बंद करवा दिया है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो एसेंशियल बिजनेस नहीं है। हाँ, तो मतलब अगर आपको रेस्टोरेंट से कुछ चाहिए ही रहेगा तो फिर वो घर पर डिलीवरी मंगाना पड़ेगा, या फिर मतलब टेकआउट जो होता है वही लेना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एटलीस्ट कर्फ्यू सिचुएशन नहीं है। और सो हमारा जो जिप कार है वो इस बेसमेंट में, सब इस बेसमेंट में जाएंगे, जिप कार लोकेट करेंगे, कार्ड से टैप करेंगे और फिर गाड़ी हमारी, और उसके पहले हम लोग गाड़ी को सैनिटाइज करेंगे, सब साफ करेंगे। यस, ये रही हमारी कार न्यू जर्सी, जिसको गार्डन स्टेट भी कहते हैं। व्हील स्प्रे मारेंगे हम लोग, पहले स्प्रे मारेंगे गाड़ी को, टैप करेंगे, सो
सो इस तरह से गाड़ी का प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क एंड अभी यहाँ पर लाइट थोड़ा कम आ रहा होगा बिकॉज बेसमेंट में हो तो अभी बैठ के ऊपर जाके बात करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा चाबी जो होता है गाड़ी के अंदर रहता है वो उस कार्ड से आपको टैप करके गाड़ी अनलॉक करना होता है। थैंक यू जुबिन फॉर सैनिटाइजिंग द कार। नो प्रॉब्लम। आ गए हम बाहर फाइनली ओपन में। नाउ लेट्स गो टू पटेल ब्रदर्स एंड गेट सम ग्रोसरीज क्योंकि आगे पता नहीं मिले या ना मिले। ऑलराइट सो ये हम आ गए पटेल ग्रोसरीज। मतलब वहाँ पे पार्किंग थोड़ा दूसरी जगह पे करना पड़ा क्योंकि आपको तो पता ही ये न्यूयॉर्क में पार्किंग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी बस जाते हैं थोड़ा बहुत अपना सामान उठाते हैं और फिर फटाफट वापस आते हैं। वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ग्रोसरीज वालों के लिए हैट्स ऑफ कि यू आर वर्किंग इवन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। एक्चुअली हुआ कि पटेल वाले जो अंकल है जो भी लड़का है वो हम लोग पे कुछ ज़्यादा ही भावुक होके गुस्सा हो गया था। बट कोई नहीं ठीक है चलते हैं अभी क्या ही कर सकते हैं। एनी वेज फटाफट अभी पटेल से सारी ग्रोसरीज ले ली है। नाउ इट्स टाइम टू हेड होम एंड समवन एल्स इज ड्राइविंग राइट नाउ सो आई वोंट शो यू दैट। ऑलराइट सो ये कार हम लोग ने अभी ड्रॉप कर दी। अभी वहाँ से टैप करेंगे तो कार लॉक हो जाएगी। चाबी हमेशा गाड़ी के अंदर ही रहती है। सो दिस वाज द एंटायर एक्सपीरियंस विद ज़िप कार। ईजी है मतलब इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज टू गो। और फिर गाड़ी में ट्रैवल करके समझ में आता है कि ट्रेन में कितना ज़्यादा टाइम लगता है। ग्रोसरी स्टोर से घर पर आने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग जाते हैं। वही हम लोग को वो ग्रोसरी स्टोर से घर पर आने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग जाते हैं। वही अभी गाड़ी में आए तो हार्डली 7 या 8 मिनट में पहुँच गए। और जुबिन को हम लोग ने पहले ही ड्रॉप कर दिया था घर पे एंड ही गॉट आउट विद ऑल द सामान। तो फिर अभी मैं घर पे जाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ऑलराइट सो घर पे आया सबसे पहले हाथ धोए फिर अपने कैमरा स्टिक को सैनिटाइज किया और फिर मैं नहाने गया सीधा। दिस इज़ समथिंग दैट आई यूजुअली डू कि अगर मैं कहीं भी ग्रोसरीज वगैरह आने के लिए बाहर जाता हूँ मैं सीधा घर पे आके नहा लेता हूँ ताकि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी हो कुछ भी होने की तो फिर ऐसा कुछ ना रहे और मैं सेफ रहूँ। तो आई जस्ट गो एंड हैव अ नाइस वॉर्म वाटर बाथ। एक और एडवांटेज है कि बहुत फ्रेश भी लगता है तो विच इज़ ऑल्सो नाइस। एनी वे सो आई होप आपने देखा होगा कि मेरा एंटायर ये कार रेंटिंग वाला एक्सपीरियंस कैसा था बिकॉज एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कार हम लोग कैसे रेंट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड आई फील कि मतलब इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन स्पेशली अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आप पिकअप और ड्रॉप लोकेशन डाल दो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी लेके चले जाओ और एक्चुअली उतना महंगा भी नहीं है। सो जो हम लोग ने गाड़ी ली थी होंडा भी उसका कॉस्ट था अराउंड $15 पर आवर विच इज़ नॉट अ लॉट इफ़ यू सी कि अगर गाड़ी के हिसाब से वो भी CRV जैसे गाड़ी के हिसाब से एक घंटे के लिए $15 इज वर्थ इट। मतलब अगर आपको समझो यहाँ से जाना है टाइम स्क्वायर आपको ऊबर में मेरे घर से टाइम स्क्वायर तक ऑलमोस्ट $40 तो लग ही जाता है। उससे अच्छा अगर आप जिप कार लेते हो तो आप ऑलमोस्ट $15 में वहाँ पर पहुँच जाओगे और फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो ट्रैवल टाइम है वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। वही आपको ट्रेन में ऑलमोस्ट एक घंटा लग जाता है तो आपका ट्रैवल टाइम जो है वो भी आधे में कट जाता है। Which is why I feel कि renting a car is actually very nice. बस आपका थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है बिकॉज जो ट्रेन का टिकट होता है वो तो आप अनलिमिटेड ले सकते हो इसमें कोई अनलिमिटेड का ऑप्शन नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द हीरोज हु आर आउट देयर वर्किंग फॉर अस जैसे कि पुलिसमैन डॉक्टर्स नर्सेज फिर जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं फार्मेसी स्टोर्स वाले हैं एंड फिर जो भी बंदे बाहर है and they have to go out bankers also they have to go out and work so that we can stay at our home and we can be safe guys thank you so much if anyone of those guys watch my vlogs guys thank you so much for all your service and you guys are really true heroes during these times। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना यार। मन करता है सच्ची में अगर ये कोरोना वगैरह नहीं होता ना तो आई वुड डेफिनेटली रेंट अ कार एंड देन रूम अराउंड न्यूयॉर्क सिटी एंड शो यू गाइज़
जैसे गाड़ी में दिखता है, बिकॉज पहले मुझे ये सब का आइडिया नहीं था, तो पहले मैं थोड़ा सा डरता था ये सब करने के लिए, मतलब गाड़ी रेंट करना, चलाना वगैरह, बट अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया ऑफ ड्राइविंग इन द सिटी ऑल्सो, एंड देन रेंटिंग वगैरह सारा प्रोसीजर आ गया है अभी। तो जैसे ही ये खत्म होता है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रेंट अ कार एंड देन गो आउटसाइड एंड देन शो यू न्यू पार्ट्स ऑफ द सिटी जो ट्रेन में शायद देखने नहीं मिलते। सो स्टे ट्यून्ड, इसलिए बोल रहा हूँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर देना, वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, देयर विल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहाँ पे मैं काफ़ी सारे अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट, बट स्टे सेफ, डोंट गो आउटसाइड योर हाउस। ये सारे चक्कर में एक बात तो बताने भूल ही गया, एक नया पार्सल आया, अब वो क्या है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। ग्रोसरीज मतलब वहाँ पे है गाड़ी। I am there.